सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार, 1962 जैसी स्थिति से बचने के लिए सीमा पर सेना को चौड़ी सड़कों की जरूरत। पहाड़ों पर सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ दायर अर्जी की सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा, टैंकों, भारी तोपखानों और मशीनरी ले जाने के लिए सेना को चाहिए चौड़ी सड़कें। सुनवाई के दौरान सरकार ने किया चीन का जिक्र, कहा पड़ोसी देश ने तिब्बत में किया बड़ा निर्माण। एनजीओ ग्रीन टून फॉर सिटीजन्स ने सेना प्रमुख के बयान का दिया हवाला, कहा हवाई मार्ग से सैनिकों को ले जा सकते हैं, सड़कें चौड़ी करने से लैंडस्लाइड का खतरा। अफगानिस्तान को लेकर भारत की मेजबानी में एनएसए स्तर की वार्ता, शांति स्थिरता पर होगी बात, चीन पाकिस्तान ने काटी कन्नी। नवाब मलिक आज कर सकते हैं बड़ा खुलासा, कल कहा था गिराऊंगा हाइड्रोजन बम। फडणवीस नवाब मलिक में बढ़ा टकराव, फडणवीस ने कहा अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के रिश्तेदारों ने खरीदी सस्ती जमीन। नवाब मलिक ने फडणवीस के आरोपों को किया खारिज, कहा मेरे पूरे करियर में नहीं लगा ऐसा कोई आरोप, कमजोर है फडणवीस के सूत्र। मैं लगता है कि झूठ का आडंबर खड़ा कर देने से किसी की प्रतिमा मलिन हो जाएगी, तो हमें लगता है देवेंद्र जी आपकी गलत फहमी है। फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का नवाब मलिक पर हमला, कहा इन्हें है जमाई और काली कमाई बचाना। कानपुर में आज से होगा मेट्रो का ट्रायल रन, सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे हरी झंडी। विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विरोधियों पर बोला हमला, कहा पहले मदरसों को पैसा जाता है, अब मंदिरों को भी मिलने लगा है पैसा। मदरसों को पैसा जाता है, लेकिन आज योगी शासन में सभी की चिंता करते हुए ऐसे मंदिरों के लिए बजट भेजते हैं। यूपी चुनाव में शिवपाल यादव ने भी लगाया जोर, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर पहुंचे बहराइच। यूपी के बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने की मुलाकात, जेल प्रशासन ने वकील को नहीं मिलने दिया। आस्था का महापर्व छठ की रौनक, आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। दिल्ली में जोरों पर छठ पूजा की तैयारियां, बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष ने घाटों का लिया जायजा। छठ पर्व पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की घाट की सफाई, सांप्रदायिक सौहार्द का दिया संदेश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया खरना प्रसाद का आयोजन, तमाम नेताओं का लगा जमघट। छठ पूजा पंडाल में घुसी राजनीति, हाजीपुर में लगी तेजस्वी की मूर्ति, साथ खड़े आरजेडी विधायक। दिल्ली में भलसवा झील के किनारे तैयार किया गया घाट, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लिया जायजा। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल, पूजा करने वालों पर कार्रवाई न करने की रखी गई मांग। पति के साथ कांगड़ा के बंगलामुखी मंदिर पहुंची फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, पूजा अर्चना की। पति राज कुंद्रा के साथ शिल्पा ने कराया तांत्रिक हवन, देर रात तक चली पूजा। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद हरिद्वार पहुंचा पवित्र जल, आज नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना होगी कलश यात्रा।